ये वाला अपना एयर फ्लो का मोटर रहता है और अपना कूलिंग कॉइल ये साइड पर रहता है और इसका एयर फिल्टर इसमें रहता है। तो इसको ओपन करने के लिए इधर एक दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि सैलरियो में एसी केबिन फिल्टर कैसे चेंज करते हैं। और ये एसी केबिन फिल्टर मैंने मारुति का लिया हुआ है, ये है अराउंड 515 का, कुछ ऐसा दिखता है। और ये केबिन फिल्टर अपने को एसी का जो कूलिंग कॉइल रहता है उसके अंदर जो कचरा जाता है उससे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये पेपर का बना हुआ रहता है और जो भी कचरा एटमॉस्फेयर में रहता है वो इसमें ट्रैप होता है और वो कूलिंग कॉइल तक एंटर नहीं करता, तो उससे अपना कूलिंग कॉइल का लाइफ बढ़ जाता है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका केबिन फिल्टर, एसी का केबिन फिल्टर डैशबोर्ड के अंदर कैसे निकालते हैं। तो ये बेसिकली डैशबोर्ड है अपना और ये डैशबोर्ड के अंदर एक ग्लो बॉक्स है। तो आपको क्या करना है, इधर साइड में अगर आप देखोगे तो इधर एक बटन जैसा रहता है, तो उसको आपको प्रेस करना है अंदर के साइड पे। तो जैसे ही आप दोनों साइड पे अंदर के साइड प्रेस करोगे तो एक लॉक बॉक्स इजीली नीचे चला जाएगा और आपको इसको जस्ट पुल करना है बस। और ये इधर ये होल्डर से अटका हुआ रहता है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ पहले। और जैसा कि आप देख सकते हो अभी अंदर ये वाला अपना एयर फ्लो का मोटर रहता है और अपना कूलिंग कॉइल ये साइड पर रहता है और इसका एयर फिल्टर इसमें रहता है। तो इसको ओपन करने के लिए इधर एक बटन रहता है, उसको आपको जस्ट खींचना है बाहर के साइड पे, तो ये पूरा रिमूव हो जाता है। और इधर एक खांचा रहता है, उसमें अटका रहता है ये। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा बाहर पुल करना है, बट आपको जस्ट मेक श्योर करना है कि ये जो डायरेक्शन में आपने निकाला था इसका एयर फ्लो डायरेक्शन नीचे के साइड रहना चाहिए और इधर जो अप लिखा है तो वैसा आपको फिट करना है वापस से। और इसके ऊपर सब कचरा ट्रैप होता है। अभी ये मैंने क्लीन किया था इसके लिए, इसके अंदर इतना कचरा है नहीं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये फ़िल्टर एक्चुअली जो है ये मैंने सर्विस सेंटर से लगाया था, बट ये एक्चुअली सैलरियों के लिए नहीं बना हुआ, ये स्विफ्ट डिज़ायर का है। उसकी वजह से ना इसमें क्या होता है, इसमें फोल्ड्स आता है और इसका बॉर्डर भी नहीं है प्लास्टिक का। तो बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये खाली पेपर है और इसमें प्लास्टिक कुछ नहीं है। और ये थोड़ा साइज़ में बड़े होने के वजह से जब भी आप इसको कवर डालते हैं तभी ये बेंड हो जाता है और साइड्स पे गैप रह जाता है, फिर उसमें से कचरा जाता है। तो इसके लिए अपने को कभी भी जेन्युइन सैलरियो का जो फिल्टर आता है ऐसा वाला, यही फिट करना है। तो अभी इधर हम लोग देखेंगे, इधर अप लिखा हुआ है तो यही डायरेक्शन में हम लोग को वापस फिट करना है। तो अभी देखिए ये कैसे फिट हो गया, इसको कुछ नहीं किया हम लोग ने, ऐसे खींचा सीधा के सीधा लगाया। अभी अगर क्लोजली देखोगे तो आपको ये मोटर दिखेगा और ये मोटर सब हवा सक करता है और डर्ट भी सक करता है। तो ये फिल्टर डस्ट को आने से प्रोटेक्ट करता है। इसको कुछ नहीं, बस अंदर डालना है, ऐसा स्लाइड करना है। अभी आप देखोगे तो सब जगह से पैक हो गया ये बराबर से, अपने को जस्ट कवर रिप्लेस करना है, दैट्स इट, वी आर डन। इसको खांचे में डालना है पहला। और इधर से जस्ट प्रेस करना है। अरे फिल्टर को क्लीन करना भी एकदम सिंपल है। इसको आपको क्या करना है, जो साइड में कचरा है उसको आपको उल्टा करके जस्ट झटकना है बस। और उसके बाद हम लोग को ग्लो बॉक्स जस्ट फिट करना है, पहले अंदर स्लाइड करना है इसको, जो नीचे दो हुक है इसके अंदर सीधे चले जाएंगे, कुछ नहीं है इसमें, जस्ट आपको जस्ट अलाइन करना है बस। और इधर से अंदर के साइड प्रेस करना है। That's it. हो गया काम। आशा करता हूँ आज आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा और आप आपका एसी का फिल्टर खुद ही चेंज कर सके।